सो हे गाइस, दिस इज कुलदीप एंड यू वॉचिंग यूपीएससी लाइव। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 15 डेज करंट अफेयर्स के बारे में, वो कितने से कितने तक, 1 से लेके 15 जनवरी तक। इससे पहले 16 से लेके 31 दिसंबर जो 2020 के जो करंट अफेयर उसकी वीडियो आ गई है। अब ये है 15 डेज की, वो 1 से लेके 15 जनवरी तक 2021 तक। सो इस वीडियो को पूरा देखें, और इसके अलावा आप यूपीएससी लाइब्रेरी को टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई रखी है। सो आज के क्वेश्चन, आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सो पहला करंट अफेयर है कि जो अपना जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव किया, जो आकाश मिसाइल सिस्टम है उसको, मतलब कमिटी थी उसने फास्ट अप्रूवल दिया है डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए। मतलब हम जो आकाश मिसाइल सिस्टम है उसका हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो अब हम इंडिया जो पहले इंपोर्ट करती थी चीनें डिफेंस में, अब वो एक्सपोर्ट भी क्या करेगी। सो आकाश जो एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 25 किलोमीटर है। सो ये मिसाइल 2014 में इंडक्ट हुआ था इंडियन एयरफोर्स में और 2015 में इंडियन आर्मी में। सो इस चीज़ को याद रखना, ये इंडियन एयरफोर्स में भी है और इंडियन आर्मी में भी है। देन सो इसी वजह से इंडिया जो आकाश सिस्टम है वो कंट्रीज़ का बहुत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल है, जो 96% इंडिजीनियस है, मतलब 100% नहीं है। तो इसमें बोला है कि 96% इंडिजीनियस। इसके अलावा आफ्टर इस इंडक्शन सर्विस इंटरेस्ट इन सोन आकाश मिसाइल बाई मैनी फ्रेंड्स कंट्री फ्रेंडली, मतलब जितने भी हमारी नेबरिंग कंट्री है, फ्रेंडली कंट्री है, उनको ना आकाश सिस्टम जैसा उन्होंने देखा कि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, तो उसको प्रोक्योरमेंट करने के लिए काफ़ी इंटरेस्ट है। इसी वजह से जो हमारी एक यूनियन कैबिनेट है उन्होंने आकाश मिसाइल सिस्टम की जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो काफ़ी क्लियर कर दिया, उसको फास्टर अप्रूवल दे दिया, मतलब फास्ट अप्रूवल। तो इस चीज़ को याद रखना। सो ये ऐसे दिखता है आकाश मिसाइल सिस्टम। सो कैबिनेट अप्रूवल दे दिया इसको फैसिलिटी। तो इसमें जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है या RFI या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है को काफ़ी वेरियस कंट्रीज हमें मिला था, इस चीज़ को देखते ही कमेटी ने वो अप्रूवल दे दिया। सो दिस इनिशिएटिव द कैबिनेट वुड हेल्प द कंट्री टू इम्प्रूव डिफेंस प्रोडक्ट्स एंड मेक देम ग्लोबली कम्पिटिटिव। जो कैबिनेट का जो इनिशिएटिव, इससे जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं डिफेंस वाले वो ग्लोबली कम्पिटिटिव के लिए काफ़ी अच्छा, और जो हमारी जो इम्प्रूव हो रही है जो डिफेंस प्रोडक्शन या जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी उससे और ज़्यादा इन्हेंस होगी। और इससे इंडिया के जो ग्लोबल जो मार्केट में जो डिफेंस जो प्रोडक्ट हैं उनकी भी प्रमोशन और अच्छी तरीके से होगी, बिकॉज जो बाकी कंट्रीज़ हैं जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो खरीदना चाहते हैं। उसके अलावा टू प्रोवाइड फास्ट अप्रूवल फॉर एक्सपोर्ट सच प्रोडक्ट, इसे कम्युनिटी और मतलब इसके अलावा और भी कुछ प्लेटफॉर्म लाइक कम्युनिटी कंप्राइजिंग ऑफ रक्षा मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इसमें इसके लिए इनमें मेंबर थे इस कम्युनिटी, और बिकॉज इसको फास्ट अप्रूवल देने के लिए। तो ये न्यूज़ थी। देन सेकेंड न्यूज़ देखें, कैबिनेट अप्रूव मॉडिफाइड स्कीम टू इन्हेंस इथेनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी, मतलब इथेनॉल जो है उसको जो मिलाने की जो कैपेसिटी है उसके लिए स्कीम को थोड़ा मॉडिफाइड किया गया था कैबिनेट के अप्रूवल से। सो एक्चुअली इसमें यही है, एक और पॉइंट ये कि जो हमारे जो इंडिया में जो सरप्लस होता जा रहा था शुगर का, मतलब शुगर का जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा सरप्लस देखने को मिल रहा था सिंस शुगर सीजन 2010 से लेकर 11 के बाद। सो इसी चीज़ को देखते हुए शुगर प्रोडक्शन इज लाइक टू रिमेन सरप्लस इंडिया कमिंग ईयर ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव वेराइटी ऑफ शुगर केन, मतलब जो शुगर केन की जो वेराइटीज़ थी वो ज़्यादा इंप्रूव हो गई। तो इसी चीज़ की वजह से इंडिया में सरप्लस होने लगा और ज़्यादा प्रोडक्शन की, जैसे जो नॉर्मल प्रोडक्शन होती थी उससे और ज़्यादा इंक्रीज होने लगा। सो टू डील विद सरप्लस स्टॉक ऑफ शुगर, शुगर मिल्स हैव बीन एक्सपोर्टिंग शुगर। सो इस शुगर को जो स्टॉक जो होता जा रहा था सरप्लस, उसको और टैकल करने के लिए, मतलब और ज़्यादा उसको करने के लिए एक्सपोर्ट भी करने लगे थे शुगर को, फॉर विच गवर्नमेंट हैज़ बीन एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट। इसके लिए गवर्नमेंट उन जो मिल्स को फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करा रही थी। सो दस इसी चीज़ को देखते हुए कैबिनेट ने अप्रूव किया है उस स्कीम में मॉडिफिकेशन। सो इससे जो इथेनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी है वो इसके लिए, सो डाइवर्जन ऑफ एक्सेस शुगर वुड हेल्प स्टेबलाइजिंग द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट शुगर प्राइसेस। सो इससे जो डाइवर्जन जो मिला है इसमें, तो वो जो एक्सेस वगैरह उसको जो स्टेबलाइजिंग या जो डोमेस्टिक एक्स मिल रहे हैं शुगर प्राइस उसमें भी हमें स्टेबलाइजिंग देखने को मिलेगा, बिकॉज जहाँ चीज़ ज़्यादा प्रोडक्ट्स होने लगती है तो उसकी जो प्राइस है वो डिक्रीज होने लगते हैं। तो वो इस वजह से अगर ये चीज़ होने लगेगी तो जो प्राइस स्टेबलेशन है वो नॉर्मल होने लगे, स्टेबलाइज होने लगेंगे, ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे। सो इसी चीज़ को देख, सो यही इसमें बोला है। देन इट विल ऑल्सो हेल्प शुगर मिल्स टू गेट रिलीव फ्रॉम स्टोरेज प्रॉब्लम, और जो स्टोरेज प्रॉब्लम आने लगी थी सरप्लस है
तो उसकी भी जो प्रॉब्लम है वो भी क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा इट इम्प्रूव देयर कैश फ्लो एंड फैसिलेट देम इन क्लियरेंस ऑफ केन प्राइस ड्यू टू फार्म। और जो कैश फ्लो की जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो क्लियरेंस जो केन फार्मर प्राइस जो होती है फार्मर से, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो वो क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट हैज़ फिक्स टारगेट ऑफ 10% ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल ग्रेड एथेनॉल पेट्रोल बाई 20। और गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि 2022 तक 10% एथेनॉल ब्लेंड करना है फ्यूल में, और 15% करना है 2026 तक, और 20% करना है 2030 तक। तो ये टारगेट को भी याद रखना, 2022 में 10%, 2026 में 15, और 2030 में 20%। तो ये इन टारगेट को याद रखना, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो ये इसमें था क्वेश्चन। दैन इसके अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, वो भी किसके अंडर, ग्लोबल हाउस टेक्नोलॉजी चैलेंज जो इंडिया में उसके अंडर। सो ऐसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट उसमें बनाए जाएंगे। सो ऐसे लाइट हाउस और कहाँ कंस्ट्रक्शन हुए हैं, ये इसमें है, इंदौर में हुआ है, जो मध्य प्रदेश में, राजकोट में हुआ, जो गुजरात में, चेन्नई तमिलनाडु में, रांची में कंस्ट्रक्ट हुए, जो झारखंड में, अगरतला में हुआ, जो त्रिपुरा में, और लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ ये लाइट हाउस जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। सो ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या होता है, सो इट्स ए बेस्ट ऑफ न्यू एज अल्टरनेट ग्लोबल टेक्नोलॉजी मटेरियल प्रोसेस इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंट्री सच एज लार्ज स्केल। तो ये चीज़ बनी ना इंडिया में, काफ़ी लार्ज स्केल पर ये कंस्ट्रक्ट की जा रही है, और ये न्यू एज अल्टरनेट ग्लोबल टेक्नोलॉजी है। सो बींग कंस्ट्रक्ट अंडर GST, जिसको ग्लोबल में बोला गया, टू प्रोवाइड इकोसिस्टम फॉर अडॉप्शन ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन हाउस कंस्ट्रक्टिंग। मतलब इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो हाउस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, वो एक होलिस्टिक मैनर से इसको अप्रोच किया जा रहा है। इसके अलावा रेडी टू लिव हाउस में बनाए जाएंगे एंड एक्सपेंडेड फेज विद इंटरवल मंथ, मतलब 12 मंथ्स के इंटरवल में ये सब कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। सो रेडी टू लिव हाउस उसमें कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा कंपेयर टू कन्वेंशनल जो ब्रिक वाले देखा जाए या मोर्टर कंस्ट्रक्ट देखा जाए, इट विल मोर इकोनॉमिकली और सस्टेनेबल। मतलब जो पुराने हाउस से कंपेयर किए जाएँ तो वो इकोनॉमिकली और सस्टेनेबल भी है, वो काफ़ी ज़्यादा मोर अच्छे, मतलब और अच्छे होंगे उनसे, और जो मतलब जो लास्ट जो पहले वाले हाउस थे उनसे कंपेयर किया जाए, और हाई क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी भी इन हाउस की ज़्यादा होगी तो इनसे कंपेयर किए गए। तो देन इसके अलावा इंडक्शन ऑफ इंडिजनस ब्रिजिंग सिस्टम इनटू आर्मी, मतलब जो ब्रिजिंग सिस्टम है वो इंडियन आर्मी में उसको इंडक्ट किया जा रहा है। सो इन्हें क्लोज कोऑर्डिनेशन में देखें प्राइवेट इंडस्ट्री, मतलब प्राइवेट इंडस्ट्री और प्लस DRDO की हेल्प से इंडियन आर्मी में 10 मीटर लंबा शॉर्ट पैन ब्रिजेज है वो इंडक्ट किया जा रहा है, मतलब तीन ऐसे हैं। सो द इक्विपमेंट विल मीट द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट, जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट थी आर्मी की, जो प्रोवाइड करेगी मोबिलिटी इन टू ओन फेसेस बाय स्पीडी ब्रिजिंग ऑफ गैप, जो गैप आने लगता है किसी बीच में, तो उस गैप को भरने के लिए ये जो ब्रिजिंग सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, इससे जो आर्मी की जो मोबिलिटी है उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। देन इसके अलावा दिस अकम्प्लिश इज ए स्टेप टुवार्ड्स द वीनिंग अवे और आर्म फोर्सेज फ्रॉम फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट बिकॉज द ब्रिज इंडिजिनसली डेवलप। सो इसमें ये बोला है ये जो ब्रिज है वो इंडिजिनसली डेवलप किया गया। सो जो हम पहले जो प्रिक्योर करते थे उससे वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता था, बट हम इसको मैन्युफैक्चरिंग करने इंडिजिन, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। जिससे हमें फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट वो भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इसका डिजाइन डेवलप सब हम खुद कर रहे हैं, सो इंडिजिनसली। इसके अलावा ऑल स्टेक होल्डर हैव पुट इन कंसर्टेड एफर्ट टू ओवरकम चैलेंजेस, जितने भी चैलेंज लाइक वो थे उसमें, और इसके अलावा जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव उससे भी उसको भी हमें उसमें भी बूस्ट देखने को मिलेगा, जो कि एम है कि इंश्योर सेल्फ रिलायंस, हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है। सो आत्मनिर्भर भारत में ये और ज़्यादा बड़ा इनिशिएटिव है, बड़ा स्टेप है। सो इट्स आत्मनिर्भर हो गया, सेल्फ सफिशिएंसी हो गया। सो इससे जो डिफेंस में जो नीड थी इंडियन आर्मी की वो भी और ज़्यादा पूरी होंगी। सो ये ब्रिज ऐसा दिखता है, सो ये ब्रिज है। सो जहाँ भी कहीं गैप होता है ब्रिज वाला, तो इससे कंप्लीट मतलब फिल किया जाएगा, और इससे जो आर्मी की जो मूवमेंट है, मोबिलिटी है, वो नहीं रुकेगी। नेक्स्ट इसमें है कि मेट्रोलॉजिकली जो सेंटर है लेह लद्दाख में, वो उसमें एस्टेब्लिश किया है। सो मेट्रोलॉजी सेंटर है, सेंटर लद्दाख में इसमें क्या है। सो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे अर्थ साइंस के हैं, उन्होंने सेंटर जो मेट्रोलॉजी सेंटर है लद्दाख में वो इनॉग्रेट किया है। उसकी जो हाइट देखें वहाँ पर वो 3500 मीटर है उसमें, सो उस लोकेशन की। सो मेट्रोलॉजी के सेंटर लेह में, वो जो इसी वजह से वो वहाँ का जो हाईएस्ट मेट्रोलॉजी सेंटर हो जाता है इंडिया का।
सो द सेंटर विल बी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी फॉर हाई एल्टीट्यूड मेट्रोलॉजी। सो वहाँ पे जो फैसिलिटी है सेंटर वो प्रोवाइड कर रही है वर्ल्ड क्लास, वो भी हाई एल्टीट्यूड मेट्रोलॉजी पर और लोकेशन पर। सो इट विल केटर, सो वहाँ इससे क्या फ़ायदा होगा, उससे जो वेदर है और जो क्लाइमेट की जो नीड है, वहाँ के जो स्टडी देखने को मिलेंगे और जो पीपल्स के वहाँ रहने वाले लोग हैं, सो उनको उससे और ज़्यादा लाभ मतलब और ज़्यादा प्रॉफिट मतलब लाभ देखने को मिलेगा, ताकि वो उससे स्टडी कर सकें कि इस टाइम में कैसे क्या, उनको कुछ देर पहले ही सब चीज़ें मालूम पड़ जाएगी। सो इट्स अ नीड ऑफ द पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख। इसके अलावा इट विल प्रोवाइड फोरकास्ट फॉर इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस। सो जो इसको जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है उनके लिए भी प्रोवाइड होगा फोरकास्ट, लाइक नुब्रा हो गया, चंगथांग, पेंगोंग लेक, जास्कर, तो इन सब के लिए काफ़ी डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। देन इसके अलावा जो लद्दाख रीजन है लॉफ्टी माउंट्स, सो लद्दाख रीजन में देखें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉफ्टी माउंट्स मिलेंगे, हाई स्लोप देखने को मिलेगा और वहाँ पर कोई भी वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेंगे, बट सो लॉट्स ऑफ लूज सोइल है और डेब्रीज है, तो इसी वजह से जो प्रोजेक्ट है जो वहाँ पर मिलिट्री डिपार्टमेंट, तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो जैसे वहाँ की जो कंडीशन है ना उस हिसाब से हाई एल्टीट्यूड पर वो कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी ज़्यादा टफ टास्क था। सो वहाँ पर काफ़ी सारी और चीज़ें देखने को मिलती हैं, लाइक नेचुरल हजार्ड देखने को मिले, लाइक क्लाउड बस्ट हो गया, फ्लैश फ्लड हो गए, एवलांचे हो गए, ग्लेशियर लेक हो गए, आउटबर्स्ट हो गए, तो ये सब नेचुरल डिजास्टर, ये नेचुरल हजार्ड देखने को मिलते हैं। सो इसको लॉस को कम करने के लिए, तो ऐसे वेदर इवेंट्स को फ्यूचर में मतलब डिटेक्ट करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है या मेट्रोलॉजी सेंटर है, सो स्टेट ऑफ द आर्ट मेट्रोलॉजी का मेट्रोलॉजी सेंटर है जो लद्दाख में, तो इसी की वजह से ये वहाँ पर कंडक्ट किया गया। सो टू स्टैंड द वेदर रिलेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम इन लद्दाख, तो इस चीज़ को आप याद रखना। सो ये कटआउट में लिख रहा है कि IMD लॉन्च द कंट्रीज हाइएस्ट मेट्रोलॉजी का सेंटर इन ले। सो इसमें भी देखिए इस चीज़ को पॉइंट को याद रखना है कि कंट्रीज का सबसे हाईएस्ट मेट्रोलॉजी का सेंटर है, वो भी लेह में, तो इस पॉइंट को आप याद रखें, तो ऐसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन कोची मैंगलोर नेचुरल गैस पाइप, मतलब कोची और मैंगलोर के बीच में नेचुरल गैस पाइपलाइन वहाँ पर कंस्ट्रक्ट की जा रही है। सो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने डेडिकेट किया है कोची मैंगलोर की जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है नेशंस के लिए, जनवरी 5 से लेके मतलब जनवरी 5 को 11 बजे से वीडियो के थ्रू से की थी। सो 450 किलोमीटर ये लंबी पाइपलाइन है। सो ये GAIL इंडिया लिमिटेड है वो कंस्ट्रक्ट कर रही है। सो इससे जो ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी है तो वो कितनी हो जाएगी, 12 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर वही पर डे की। सो ये काफ़ी ज़्यादा उसको इंडियन से और ज़्यादा देखने को मिलेगी। सो ये नेचुरल गैस को कैरी करेगा, जो लिक्विफाइड LNG है वो भी कैरी करेगा। देन रिगैसिफिकेशन टर्मिनल होगी जो कोची से लेकर मैंगलुरु तक होगी, तो इस पॉइंट को भी याद रखना कहाँ से लेकर कहाँ तक ये नेचुरल गैस पाइपलाइन होगी। देन इसके अलावा लेइंग इट द पाइपलाइन वाज इंजीनियरिंग चैलेंज, सो जो बनी थी तभी इंजीनियरिंग चैलेंज देखने को मिलेगी तो इस रूट में। सो जो बिकॉज इसमें जो वहाँ का जो एरिया था वो लाइक वहाँ पर क्रॉस वाटर बॉडीज भी देखने को मिली थी ऐसे काफ़ी सारी लोकेशन पर। इसके अलावा सो इसमें वहाँ पर जो स्पेशल टेक्निक थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मेथड, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मेथड वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी सारी वाटर बॉडीज थी, सो उनको क्रॉस करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। देन सो इसमें इस मैप के थ्रू आपको पता चल जाएगा। सो ये मैंगलोर ये कोचीज, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये नेचुरल पाइपलाइन है, तो ये जो एक तो ये स्टेट एक कोस्टल स्टेट है, तो इस वजह से यहाँ पे वाटर बॉडीज और ज़्यादा देखने को मिलती थी, इसी वजह से यहाँ कंस्ट्रक्ट करने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, तो इसी वजह से इसको इंजीनियरिंग मार्वल भी देखने को बोले या स्टेट ऑफ द आर्ट भी बोलने को देखा जाता है। देन नेक्स्ट इसमें कि टेम्पटन टैक्स, सो ये जब UK जब ब्रेग्जिट से अलग हुआ तो UK ने जो एक टैक्स लगता है टेम्पटन टैक्स, तो उसको अबॉलिश कर दिया। सो UK जब 2021 में जो 5% जो वैल्यू एडेड टैक्स लगता था वुमेन के जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स पर, तो उसको जिसको टेम्पटन टैक्स बोला जाता था उसको अबॉलिश कर दिया, बिकॉज अब वो अब ब्रेग्जिट का पार्ट नहीं रहा, बिकॉज सो ब्रेग्जिट में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे मतलब वो उन पर टैक्स लगाते थे इस वुमेन्स के जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स पर, बट अब UK उसका पार्ट नहीं है, तो UK अब उसने अब नहीं लगाता। सो इट नाउ जॉइन द लिस्ट ऑफ कंट्री विच हैव ऑलरेडी एलिमिनेटेड दिस टैक्स। सो अब UK उस लिस्ट को ज्वाइन कर चुका है जो इस टैक्स को एलिमिनेट ऑलरेडी कर चुका है, लाइक इंडिया हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई या कनाडा हो गए। सो द रिमूवल ऑफ टैक्स हैज़ बीन प्रेज बाई वुमेन्स राइट एक्सपर्ट, जितने वुमेन राइट एक्सपर्ट थे उन्होंने इस जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसको प्रेज किया, और जो ब्रेग्जिट प्रोपोनेंट थे एट द सेम टाइम वो उन्होंने भी किया।
देन इसके अलावा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको ऐसे स्टेटमेंट दिया है कि दिस मूव अबॉलिश द टेम्पर्स एक्ट और हैव, और इसके अलावा ये एस्टिमेट लगाने के बोला है कि जो एवरेज ओवर में जो खर्चा आता था इसका, वो जो 40 पाउंड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, मतलब 40 पाउंड आता था पूरे उनके लाइफ साइकिल में, तो वो कम उनको जो बर्डन था अब वो देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट का एस्टिमेट था। सो इसमें और थोड़ा टर्मोलॉजी क्लियर कर लें। सो यूके देखा जाए, एक तो पहला इसमें जो स्टार्टिंग से देखा जाए तो ये जो ब्लू वाला लाइन, तो इसमें कहाँ गया, हाँ ये यूनाइटेड किंगडम है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस यूनाइटेड किंगडम में नॉर्थ आयरलैंड से लेके स्कॉटलैंड इंग्लैंड, तो ये नॉर्थ यूनाइटेड किंगडम में यूके है। अगर इसमें आयरलैंड है तो आयरलैंड वाला हो गया, इसमें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड प्लस नदर्न आयरलैंड, तो ये हो गया होगा आयरलैंड वाला। और पूरे को हम क्या बोलेंगे, ब्रिटिश आइसलैंड, मतलब इसमें जितने भी आयरलैंड है उसमें पूरे सभी कंट्रीज आ जाएंगे, तो इसको बोलेंगे ब्रिटिश आइसलैंड। अगर ग्रेट ब्रिटेन देखने को मिले देखा जाए तो ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से कंट्री आते हैं, स्कॉटलैंड आएंगे और इंग्लैंड आएंगे, तो इसमें ग्रेट ब्रिटेन में आएंगे, तो इस चीज़ को याद रखना। सो अलग अलग कंट्रीज़ को मिला के अलग अलग ग्रुप के नाम है, तो इसको याद रखना। यूके में नॉर्थ नदर्न आइलैंड भी आता है, बट जब ग्रेट ब्रिटेन बोला जाए तो नदर्न आइलैंड नहीं है, तो उसमें स्कॉटलैंड और इंग्लैंड आता है, तो इस चीज़ को याद रखना। तो इसमें टर्मोलॉजी ऑफ ब्रिटिश आइस, तो इसको थोड़ा क्लियरली और थोड़ा और फोकस करके इस इमेज को देखना। देन अब स्कूल बैग पॉलिसी देखा जाए, तो जो स्कूल बैग पॉलिसी एक नई आई, तो इस स्कूल बैग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो स्कूल बैग का जो वेट है उसको थोड़ा लिमिटेड किया गया। सो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इशू सर्कुलर आस्किंग स्कूल टू फॉलो ए न्यू स्कूल बैग पॉलिसी, जो थी उस स्कूल को फॉलो करने के लिए एक डायरेक्टर एजुकेशन ने उन्हें सर्कुलर नोटिस आस्किंग बोला है। सो इसको रिलीज किया है, किसके द्वारा रिलीज हुआ है, ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको NCERT बोलते हैं। सो जो वेट है स्कूल बैग का, तो पर मतलब जो क्लास के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन भी किया है, लाइक 1.6 लेके 2.2 केजी कितना होगा क्लास एक से लेके दो तक के स्टूडेंट्स के लिए, देन 1.7 से लेके 2.0 केजी तक का जो वेट होगा वो होगा क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इतने क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, देन 2 से लेके 3 केजी तक का जो वेट होगा वो कितना होगा 6 से लेके 7 तक की क्लास के बच्चों के लिए, देन 2.5 से लेके 4 केजी तक के कितना होगा वो 8 क्लास के बच्चों के लिए, देन 2.5 से लेके 4.0 केजी कितना होगा क्लास 9 से लेके 10 तक के, देन 3.5 से लेके 5 केजी तक का जो वेट होगा वो 11 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए होगा। तो यहाँ पर क्लास के अकॉर्डिंग वो जो बैग के जो वेट है वो डिफाइन कर दे गए हैं उसमें, तो इस सो इतने क्लास के बच्चे इतने क्लास तक का, मतलब इतने क्लास के जो बच्चे होंगे जो क्लास होगी, तो उसी से जो वेट है जो बैग का वो डिफाइन कर दिया गया है, तो इस चीज़ को अब याद रखना। सो देयर टीच, उसके अलावा बोला गया जो टीचर है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बैग का जो वेट है वो चेक करते हैं ना रेगुलरली, सो द स्टूडेंट एवरी 3 months ऑन द डे सेलेक्टेड फॉर द होल क्लास, तो इसमें बोल दिया उन टीचर के बाद। देन इसके अलावा जो हैवी स्कूल बैग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब एक सीरियस थ्रेट बन जाता है वो बच्चों की हेल्थ के लिए, लाइक जो सीरियस थ्रेट टू हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज जब हैवी बैग जब वो कैरी करते हैं तो इसकी वजह से जो वर्टेबल कॉलम है, लाइक उसके अलावा जो नीज़ की जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है उनमें प्रॉब्लम आने लगती है, तो एक तरफ का जब बैग टांगते हैं तो एक तरफ का जो स्ट्रक्चर है जो बॉडी का वो थोड़ा झुकने लगता है, तो इसी वजह से जो उनमें जो सीरियस नीज में या जो गर्दन में वो पेन देखने को मिलता है बच्चों में, तो इसी वजह से जो स्कूल बैग पॉलिसी देखने को मिली थी 2020। सो इसमें जो इसका मेन फोकस ऑब्जेक्टिव है कि बैग का जो वेट है उसको डिफाइन कर दिया था क्लास के अकॉर्डिंग, तो इस चीज़ को आप याद रखना। देन इसके ऊपर हमारे चैनल पर एक वीडियो भी है कि स्कूल बैग पॉलिसी 2020, तो इस टॉपिक के बारे में अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। देन इसके अलावा टाइड रेनफॉल फ्लड क्वेश्चन, मतलब एक न्यू मेजरमेंट है डिवाइस ग्रिड, इसको लिया गया है, तो इसको समझने के लिए टू अंडरस्टैंड कोस्टल सिटीज़ का जो कोस्टल सिटीज़ हैं तो उनके जो प्रोन जो फ्लड्स के लाइक जो फ्लड होते हैं या टाइडल इवेंट्स होते हैं या एक्सट्रीम रेनफॉल होती है, तो उस चीज़ को समझने के लिए जो एक टीम थी IIT बॉम्बे से, उन्होंने एक न्यू मेजर निकाला है जिसको नाम दिया है टाइड रेनफॉल फ्लड क्वेश्चन, तो इसको मतलब जो कोस्टल सिटीज़ में उनके वेदर को समझने के लिए उन्होंने एक नया IIT बॉम्बे की टीम थी उन्होंने एक नया मेजरमेंट निकाला जिसका नाम है टाइड रेनफॉल फ्लड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में यह जाएगा जो टाइड रेनफॉल फ्लड क्वेश्चन है वो किस एरिया के लिए मेजरमेंट करने के लिए निकाला गया, तो ऐसा पूछा जा सकता है। इसको इसलिए निकाला था बिकॉज पास्ट रेनफॉल डेटा जो टाइडल डेटा या टोपोग्राफी थी इस रीजन की
उसको फ्रेम करने के लिए कैन वी अप्लाई टू द पिन पॉइंट ऑफ द मेजर फैक्टर एट प्ले. सो इस चीज़ को थोड़ा और क्लियर, मतलब क्रिस्टल क्लियर करने के लिए इन इस तरह के डेटा की या इस तरह के मेजर की जरूरत थी. सो टीम सेलेक्टेड थ्री जियोग्राफिकल डाइवर्स फ्लड प्रिन कोस्टल एरिया, मतलब उन टीम ने कुछ एरियाज को, ऐसे तीन एरिया को सेलेक्ट कर लिया था जिससे अब उनको वो डेटा कलेक्ट करेंगे. लाइक मिट्टी कैचमेंट हो गया मुंबई वाला इलाका, देन जगत सिंहपुर हो गया उड़ीसा वाला इलाका, देन ग्रेट चेन्नई कॉर्पोरेशन हो गया तमिलनाडु वाला इलाका. तो ऐसे तीन एरिया सेलेक्ट कर लेते इसके लिए. देन इसके अलावा द न्यू मेथड हेल्प क्लासिफाई दीज रीजन इनटू स्टॉर्म टाइड डोमिनेटेड और प्लूविल या रेनफॉल डोमिनेटेड एरियाज. तो इससे इन इलाकों को इसमें नए इलाकों में क्लासिफाई कर दिया जाएगा अगर डेटा जब निकल के आता है. सो द मेट्रिक कैन हेल्प डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन फ्रेमिंग बेटर फ्लड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम. सो इसके क्या फायदे हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं उनको ज़्यादा जो बेटर फ्लड रिस्क मैनेजमेंट हो उसको, जो सिस्टम होगा उसको और ज़्यादा इन्हेंस करने में, या किस रीजन में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है उसको है उसको इसके लिए प्लानिंग करने में और ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगी इससे. सो इसमें देखा जाए जो ये वाला एरिया होगा हमारा इंडिया का साउथ का, ये पूरा कोस्टल एरियाज होगा. तो इन कोस्टल एरिया में एक मुंबई में, एक ओडिशा में और एक चेन्नई में, तीन जगह ये टीम ने ये एरिया लोकेट किए हैं. तो इन चीज़ को अब याद रखना. देन नेक्स्ट नीज देखें तो कम्युनिटी फिशिंग प्रोहिबिटेड इन डीपर बील. सो जो कम्युनिटी फिशिंग थी डीपोर बील में वो उसको प्रोहिबिट कर दिया. सो कमरूप जो कि कमरूप मेट्रोपोलियन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिशन है वहाँ का, उन्होंने ये प्रोहिबिट कर दिया है जो कम्युनिटी फिशिंग की जो एक्ट प्रैक्टिस चल रही थी वहाँ पर डीपोर बील में, तो वहाँ पर बैन कर दिया है या प्रोहिबिट कर दिया. सो इसके बारे में देखा जाए तो वो एक वेटलैंड है साउथ वेस्टर्न एज में गुवाहाटी में, मतलब गुवाहाटी के साउथ एज में देखा जाए तो ये लोकेट वहाँ पर देखने को मिलेगा. सो इट्स असम्स ओनली रामसर साइट, जो असम की एक ओनली रामसर साइट है, इस चीज़ को भी याद रखना. असम की एक, मतलब एक ही रामसर साइट है. सो द ऑर्डर वाज नेसेसरी टू प्रिवेंट, सो ये जो ऑर्डर आया तो जो फिशिंग हुई उसको रोकने के लिए, या जो एग्जीबिशन हो रहा था या जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसके आसपास इलाके में तो इस वेटलैंड के, तो उसको रोकने के लिए लाए, बिकॉज वहाँ पर जो पानी का जो होता वो श्रिंकिंग होता जा रहा था हर साल. तो इसी चीज़ को देखते हुए ये वहाँ की मेट्रोपोलिटन डिस्ट्रिक्ट एडमिशन ने ये ऑर्डर लाया था. सो डीपर बिल देखा जाए वो इट्स ए डेजिग्नेटेड रामसर साइट थी 2002 में इसको, मतलब 2002 में इसको रामसर साइट में लाया था, रामसर लिस्ट में जो था उसको डेजिग्नेट किया गया था. सो इसके लिए फॉर सस्टेनिंग ए रीजन सस्टेनिंग रेंज ऑफ एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स फेजाइड 29 स्पीज ऑफ बर्ड्स. सो वहाँ पर देखें जो वहाँ की जो एक्वाटिक लाइफ थी और वहाँ पर उसको सब मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए. सो वहाँ पर बिकॉज वहाँ पर 219 ऐसे स्पीसीज ने बर्ड्स की, तो इस चीज़ को याद रखना. दीपक बोल जी ये असम का जो इकलौती रामसर साइट है, इस पॉइंट को भी अब याद रखना. सो रामसर कन्वेंशन में देखा जाए और जिसमें रामसर साइट कन्वेंशन आया, तो रामसर कन्वेंशन क्या है. सो इसको साइन किया गया था इंडिया को ने 2 फरवरी 1971 में आया था फॉर्म में. तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल एकॉर्ड है जो साइन किया गया था मेंबर्स कंट्रीज का दौर. तो इसका ऑब्जेक्टिव देखा जाए, इसका ऑब्जेक्टिव है सिर्फ इकोलॉजिकल करेक्टर हैं या जो उनके जो वेटलैंड है या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है उनको प्रिजर्व करना है बस. सो इट्स का, और इसका जो रामसर जो नेम आया है, जो रामसर नेम है तो वो एक ईरानियन सिटी है, बिकॉज ये जो ट्रीटी जो हुई थी ईरान की इसी सिटी में, रामसर सिटी में हुई थी, इसी वजह से इसका नाम रामसर कन्वेंशन रख दिया. तो इस चीज़ को आप याद रखना. देन इसमें देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में लद्दाख की जो स्टार्सबुक जो सो है या सोकर लेक है कॉम्प्लेक्स है, उसको रामसर इंडिया की रामसर लिस्ट में, रामसर साइट में ऐड कर लिया गया. तो इसी पॉइंट को भी आप याद रखना. देन नेक्स्ट न्यूज करंट अफेयर पढ़े हैं तो स्वास्थ्य वायु जो है वो यूज, जो COVID-19 पेशेंट के लिए उसको यूज करेंगे. सो स्वास्थ्य वायु क्या है, तो इसमें देखते हैं क्या है. सो द एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बाई द डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस, जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस की जो एक्सपर्ट कमेटी थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर अंडर जो आती थी, उन्हें बोला है कि जो स्वास्थ्य वायु है वो यूज़ की जाएगी COVID-19 पेशेंट के जिनको ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन की जरूरत थी अप टू 35% के बाद. सो ये स्वास्थ्य वायु एक तरह का किसकी तरह काम कर रहा है देखो इसका. सो स्वास्थ्य वायु जो है वो एक इंडिजेंसी डिजाइन डेवलप बाई है, मतलब एक इंडिजेंसी डिजाइन है, उसको डेवलप किया है CSIR के बाद. CSIR मतलब काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका ये पूरा नाम है. और देन इसके अलावा नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी. सो
ये इंडिजिनस डिजाइन किया गया वेंटिलेटर है, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ वेंटिलेटर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक। मतलब कोविड-19 के जितने भी पेशेंट आएंगे, जिनको बिगनिंग में जरूरत पड़ेगी वेंटिलेटर्स की, तो उसमें इस स्वास्थ्य वायु जो वेंटिलेटर है उसका यूज किया जाएगा। तो इस चीज को याद रखना। देन ऐसा इसमें देखने को मिला, सर ये स्वास्थ्य वायु, जैसे इसको ये ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है तो इसको ऑक्सीजन दी जा रही है इसके अकॉर्डिंग। सो CSIR और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है बैंगलोर, इसमें उन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया गया स्वास्थ्य वायु को। तो इस चीज़ को जानते हैं। सो इसमें लिखा है कि दिस सिस्टम हैज़ बीन सर्टिफाइड फॉर द सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस बाय द NABL एग्रीगेटेड एजेंसी एंड द अंडरगोन स्ट्रिंजेंट बायोमेडिकल टेस्ट। तो इसका पूरी तरीके से टेस्ट हो चुका है, तो ये इसको यूज़ करने लायक भी इसको बनाया गया है। तो इस चीज़ को आप याद रखना। देन नेक्स्ट न्यूज देखा जाए इसमें, सागरमाला सी प्लेन सर्विस। तो सागरमाला सी प्लेन सर्विस देख रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज है, उन्होंने एक इनिशिएटिव निकाला है कि जो उनका एम्बिशियस प्रोजेक्ट था सागरमाला सी प्लेन सर्विस को, उसको और ज़्यादा पोटेंशियल एयरलाइन ऑपरेटर बनाने के लिए। सो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन वुड बी थ्रू सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी। सो सागरमाला जो इसमें इम्प्लीमेंटेशन या जो एग्जीक्यूशन होगा वो किसके थ्रू होगा, जो सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड है SDC है उसके अंडर होगा। सो विच इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द कंट्रोल मिनिस्ट्री, और ये जो कंपनी है वो मिनिस्ट्री के अंडर होगी। सो सेवियर, इसके अलावा जो सेवरल डेस्टिनेशन आर इन्विस्टेड फॉर अ सी प्लेन ऑपरेटर, मतलब जो सी प्लेन के जो डेस्टिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा डेस्टिनेशन में बनाई गई हैं। सो इसके अलावा देन वन सच सी प्लेन सर्विस ऑलरेडी, मतलब इसके जो और ज़्यादा सेवरल डेस्टिनेशन उसमें बनाएंगे, और इसके अलावा एक सर्विस सी प्लेन सर्विस है जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, वो कहाँ से कहाँ तक है, वो केवड़िया से लेके साबरमती रिवर फ्रॉम जो अहमदाबाद तक, मतलब वो है वो कहाँ से कहाँ तक है, केवड़िया से लेके अहमदाबाद तक। तो इस चीज़ को आप याद रखना। पहली सी प्लेन सर्विस थी ये इंडिया की, तो ये इस वजह से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको इनोग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 31 अक्टूबर 2020 को। सो ऐसे इसमें ये पिक्चर है इसमें देखने को मिलेगी। सो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जब ये सी प्लेन सर्विस को जब इन्होंने इनोग्रेट किया था, और ये सी प्लेन है, तो ये सी प्लेन का मतलब ये सी मतलब पानी के ऊपर चलने वाला प्लेन है। सो यहाँ से वो टेक ऑफ या लैंडिंग करता है, तो यहाँ से पानी में चलता है प्लस वाद में, तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सी प्लेन। सो इस पॉइंट को आप याद रखना। देन नेक्स्ट न्यूज देखें इसमें, 2020 वाज द 8th वार्मेस्ट ईयर सिंस 1901, मतलब 2020 का जो साल था वो 1921 के बाद का सबसे, मतलब 8वें नंबर का सबसे वार्मेस्ट ईयर रहा है। सो स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2020, मतलब इसमें स्टेटमेंट में देखा जाए क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2020 के बारे में, तो इसमें रिलीज़ किया गया था इंडियन मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट ने इसको रिलीज़ किया गया। सो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए जो 2020 का जो साल था वो 8th वार्मेस्ट ईयर रहा है सिंस 1901 से, 1901 के बाद से ये 8वां ऐसा साल रहा है जो सबसे ज़्यादा गर्म था। बट इट इज़ वाज सब्सटेंशियली लोअर देन द हाईएस्ट वार्मिंग ऑब्जर्व इन 2016, बट जो 2016 का जो हाईएस्ट वार्मिंग था उससे काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियली लोअर था, बिकॉज लोअर तो होगा बिकॉज वो पूरा देश मार्च के बाद तो लॉकडाउन में आ गया, तो वहाँ से फैक्ट्रियाँ वगैरह व्हीकल्स ये सब चलना बंद हो गए, तो इसी वजह से वो थोड़ा लोअर भी रहा है। तो इसमें थोड़ा बेनिफिट हमें देखने को मिला। सो इसके अलावा और पॉइंट्स देखें, पास्ट टू डिकेट्स 2001 से लेकर 2010 तक, 2011 से लेकर 20 तक, वॉट ऑल्सो द वार्मेस्ट डिकेट ऑन रिकॉर्ड विद एनोमलीज ऑफ 0.23 डिग्री सेल्सियस एंड 0.34 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टली। तो इसमें इतना टेम्परेचर इंक्रीज देखने को हमें मिला था 2001 से लेकर 10 तक और 2011 से लेकर 20 तक। सो इट इंडिकेट द ओवरऑल राइजिंग टेम्परेचर, सो इतना टेम्परेचर हमें इंक्रीज देखने को मिला था। इसके अलावा इंडिया का जो एवरेज एनुअल मीन टेम्परेचर देखा जाए 1901 से लेकर 2020 तक, वो हमें इसमें कितना वो ट्रेंड इसमें इंक्रीज देखने को मिला 0.62 डिग्री सेल्सियस था सेल्सियस पर 100 ईयर्स पर। तो इस पॉइंट को भी याद रखना कि डायरेक्टली एग्जाम पूछ सकता है कि 100 मतलब 100 साल में हमारा जो एनुअल मीन टेम्परेचर निकाला जाए तो कितना होगा, तो 0.62 डिग्री सेल्सियस है। देन नेक्स्ट इसमें देखा जाए स्टेटस ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा इन कंट्री, एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब जो अभी बर्ड फ्लू चल रहा है ना उसके बारे में, इसमें देखा
सो आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ पॉजिटिव सैंपल ऑफ ICRN निषाद जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस चल रहा है वो रिपोर्ट किया गया बाकी जो स्टेट्स में लाइक जो एपी सेंटर था उसमें 12 में लाइक इसमें एक राजस्थान हो गया जिसमें क्रो में हो रहा है, मध्य प्रदेश वहाँ भी क्रोज में हो रहा है, हिमाचल प्रदेश जो माइग्रेटरी बर्ड आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश उनमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और केरला में जो पोल्ट्री डक थे वहाँ उनमें देखने को मिल रहा है। सो इसमें ये एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस देखने को मिल रहा है जिसको बर्ड फ्लू भी बोला जाता है। सो एवियन माने क्या होता है, बर्ड, और इन्फ्लुएंजा माने फ्लू। सो इसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं, बर्ड फ्लू। सो नॉर्मल लैंग्वेज में बर्ड फ्लू, अगर साइंटिफिक नेम बोला जाए तो इसका नाम हो जाएगा एवियन इन्फ्लुएंजा, बिकॉज एवियन माने होता है बर्ड और इन्फ्लुएंजा माने होता है फ्लू। सो एक टाइप ए वायरस है। सो इस चीज़ को आप याद रखना। सो दीज वायरस अकर ओनली नेचुरली अमॉन्ग वाइल्ड एक्वाटिक बर्ड्स वाइल्ड वाइड। सो ये सब नेचुरली होता है, जो भी एक्वाटिक बर्ड्स होती है वर्ल्ड वाइड होती है। ऑल्सो इट कैन एंड कैन इन्फेक्ट डोमेस्टिक पोल्ट्री एंड अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स भी। सो इसके अलावा इनको जो डोमेस्टिक पोल्ट्री होता है उनमें भी उनको भी इफेक्ट करने लगता है, और जो और बाकी की बर्ड्स एंड एनिमल स्पीसीज होते हैं उनको भी अफेक्ट कर सकता है। सो इसी चीज़ की वजह से काफ़ी सारे स्टेट में ये देखने को मिल रहा है। सो एवियन फ्लू के बारे में और ज़्यादा पढ़ें तो एवियन फ्लू वायरस डू नॉट नॉर्मली इन्फेक्ट ह्यूमन, जो नॉर्मली तो ह्यूमन्स को ये इन्फेक्ट नहीं करता, बट दिस वायरस सर्कुलेटिंग वर्ल्ड वाइड फॉर द सेंचुरी विथ 4 नोन मेजर आउटब्रेक रिकॉर्ड एट द लास्ट ईयर। सो इसकी हिस्ट्री देखें तो वर्ल्ड वाइड में सेंचुरी में ऐसे 4 मेजर मतलब कुछ ऐसे मेजर आउटब्रेक देखने को मिले हैं लास्ट सेंचुरी में। सो इंडिया जो है नोट हुआ है द फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा, मतलब इंडिया में इस वायरस का जो मेजर आउटब्रेक देखने को कब मिला था, 2006 में। सो इन्फेक्शन इन द ह्यूमंस इज नॉट रिपोर्टेड इन इंडिया थ्रो द डिसीज इज जूनोटिक, मतलब ये जो फ्लू है ये जो इन्फेक्शन है वो अब तक ह्यूमंस में देखने को नहीं मिले, बिकॉज ये जो डिसीज है वो कैसी है, जूनोटिक। जूनोटिक मतलब ये सिर्फ जानवरों में ही देखने को मिलती है, इसी वजह से इसको जूनोटिक बोला गया है। सो इंडिया में देखा जाए दिस डिसीज स्प्रेड मेनली बाय द माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग इनटू द, और ये डिसीज कैसे फैलती है, जब ये माइग्रेटरी बर्ड्स जब इंडिया में आते हैं तो इनके द्वारा ही, जब विंटर में आते हैं तो इनके द्वारा ही अलग दूसरे बर्ड्स में या दूसरे उसमें वो ट्रांसफर हो जाती है, इसी वजह से माइग्रेटरी बर्ड्स से ये बीमारी देखने को मिलती है। सो अगर ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स कब आते हैं, विंटर्स में लाइक सेप्टेम्बर अक्टूबर के महीने में या फरवरी तक जब रहती है सर्दी, तब तक ये माइग्रेटर आने को देखने को मिलता, तो तभी सही ये ऐसी वाली जो डिसीज है एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू देखने को ज़्यादातर मिलता है। देन नेक्स्ट इसमें देखा जाए CEPI सेंट्रलाइज नेटवर्क लैब एट DBT TSST, मतलब फरीदाबाद में इस लैब को CEPI वाली को इनॉग्रेट किया। सो वन ऑफ द 7 लैब्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ऐसी 7 लैब हैं पूरे वर्ल्ड में। सो इनमें उनमें से एक कहाँ है, फरीदाबाद इंडिया में। सो इसको सेंट्रलाइज नेटवर्क लैब ऑफ कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन, सो इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रलाइज फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन। सो इसमें जहाँ भी एपिडेमिक चल रहा है या पैंडेमिक, एपिडेमिक मतलब एपिडेमिक होता है जो किसी एक कंट्री में चलता है, और जब किसी मतलब पूरे ग्लोब जब वो बीमारी जब ग्लोबली हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, पैंडेमिक। सो अभी पैंडेमिक क्या चल रहा है, COVID-19। सो COVID-19 पैंडेमिक है, और जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में होती है, मतलब वो सिर्फ कंट्री में देखने को मिलती है, तो उस बीमारी को एपिडेमिक बोलते हैं। तो ये दो मेन डिफरेंस है एपिडेमिक और पैंडेमिक में। सो इसको इस लैब को एस्टेब्लिश किया गया रिसेंटली फरीदाबाद में, किसको, द मिनिस्ट्री, और ये किसके मिनिस्ट्री के अंदर आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर, और इस्टेब्लिश एट द ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद, वहाँ पर ये इस इंस्टीट्यूट में फरीदाबाद में वहाँ पर एस्टेब्लिश दिया। सो TSSTI जिसका फुल नाम है, इसको ये ऐसी ओनली लेबोरेटरी है इन सच काइंड इन इंडिया एंड ऑल्सो एग्रीडेटेड बाई द नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी एंड। सो मतलब थोड़ा टेक्निकल है तो इस चीज़ को आप याद रखना। दो CEPI इज ए इनोवेटिव पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक प्राइवेट एंड फिलैंथ्रोपिक एंड सिविल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इन डेवोस इन 2017 टू डेवलप वैक्सीन टू स्टॉप फ्यूचर एपिडेमिक, मतलब इसको किस वजह से इसका ऑब्जेक्टिव देखा जाए, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फ्यूचर में जो भी फ्यूचर एपिडेमिक आएंगे उसके लिए वैक्सीन प्रिपेयर की जाए, इसके लिए इसका इसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है। और इसको कहाँ लॉन्च, इसको लॉन्च किया गया था दावोस में 2017 में, तो इस चीज़ को भी याद रखना। और इसमें पार्टनरशिप देखने को मिलेगी पब्लिक प्राइवेट और फिलैंथ्रोपिक जो होते हैं और जो सिविल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इनकी पार्टनरशिप देखने को मिलेगी।
सो इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के जो अंडर आता है, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है कि इंडिया इनसेपी मिशन होगा। टाइटल उसका होगा इंडिया सेंट्रिक एपिडेमिक प्रिपेयरनेस थ्रू रैपिड वैक्सीन डेवलपमेंट। सो इसका मेन होगा कि सपोर्टिंग इंडियन वैक्सीन डेवलपमेंट अलाइन विद द ग्लोबल इनिशिएटिव, मतलब जो इंडियन की जो वैक्सीन है उनको ग्लोबल इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग उनको अलाइन करना। सो इसमें जो कोलिशन जो होगा एपिडेमिक प्रिवेंस इनोवेशन स्वीपी का इसमें कोलिशन के थ्रू होगा। सो जैसा कि इसमें न्यूज आर्टिकल में दिखाया है कि डॉक्टर हर्षवर्धन इनोग्रेट सेपी लैब सेंट्रलाइज नेटवर्क लैब जो कि DBTSTI फरीदाबाद में हुई है, स्टैब्लिश हुई है। तो ये न्यूज़ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज अभी जो पैंडेमिक जो चल रहा है COVID-19 का, वो भी इसी वजह से इसको देखते हुए 2017 में ऑलरेडी ऐसी लैब वहाँ पर चल रहा था। तो इस पॉइंट को आप याद रखना। देन नेक्स्ट न्यूज़ देखा जाए, DRDO साइन MOU, मतलब DRDO ने MOU साइन किया है किसके साथ, महाराष्ट्र मेट्रो के साथ। क्या किसके लिए, एडवांस जो बायोडाइजेस्टर होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको वहाँ पर बनाने के लिए। सो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको DRDO बोलते हैं, उन्होंने महाराष्ट्र मेट्रो के साथ जॉइंट वेंचर किया है ताकि वो जो इको फ्रेंडली उनके जो बायोडाइजेस्टर यूनिट हैं या उसके फैसिलिटीज हैं वहाँ पर इंस्टॉल कर सके, उनके साथ बना सके, ताकि उससे वाटर कंजर्व हो जा सके या जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, इससे उसको ये हेल्प देखने को मिलेगी। सो इस MOU के थ्रू DRDO विल रेंडर टेक्नोलॉजी सपोर्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडवांस्ड बायोडाइजेस्टर MK2 टेक्नोलॉजी। सो इसकी जो टेक्नोलॉजी का नाम के MK2 टेक्नोलॉजी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन मेट्रो नेटवर्क। सो जो ह्यूमन जो वेस्ट होता है जो मेट्रो रेल नेटवर्क में जो ह्यूमन वेस्ट होता है, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, तो इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट दिया जाएगा। सो DRDO का जो बायोजेस्टर जो है एक इंडिजिनियसली ग्रीन कोस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, इस पॉइंट को भी आप याद रखना। सो ये बायोडाइजेस्टर सिस्टम यूटिलाइज ऑर्गेनिक वेस्ट एंड पर्टिकुलरली एनिमल एंड ह्यूमन एक्सक्रीटेड टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर। सो जो भी ह्यूमन वेस्ट जो होगा एनिमल का प्लस ह्यूमन का, उसको किसके में कर देगा फर्टिलाइजर में उसको प्रोड्यूस कर देगा, और जो बायोगैस होता है उसको इससे हमें देखने को मिलेगी, फर्टिलाइजर प्लस बायोगैस। सो इट कंसिस्ट ऑफ द एयर टाइट हाई डेंसिटी एंड पॉलीथीन कंटेनर, इसमें देखने को मिलेगा एयर टाइट और हाई डेंसिटी पॉलीथीन कंटेनर विद इन विच एक्सक्रीटेड डायल्यूटेड इन्वर्टर्स, जो एक्सक्रीटा जो वेस्ट होगा उसको वाटर के साथ डायल्यूट कर दिया जाएगा, और ताकि फिर उसमें वो चलेगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट होंगे इस वेस्ट में। सो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो उसमें उसको कन्वर्ट कर देंगे इसमें उसको फर्टिलाइजर में कर देंगे, प्लस जो बायोगैस होगी उसमें। तो इस चीज़ को आप याद रखना। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस जो चलेगा उसको जिसको एनारोबाइक होगा, जिसका मतलब इट टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। सो जो प्रोसेस जो होगा वो विदाउट ऑक्सीजन के थ्रू होगा। सो इस पॉइंट को आप याद रखना। देन इसमें नेक्स्ट देखा जाए, DRDO इंक MOU, मतलब ये जो कटआउट है उस न्यूज में, तो इसमें बताया कि DRDO ने महाराष्ट्र मेट्रो के साथ ये एडवांस बायोजेसर वाला जो MK2 टेक्नोलॉजी है मेट्रो रेल नेटवर्क में, उसको उसमें देखने को मिलेगी। तो ये इसमें न्यूज आर्टिकल कटआउट है। देन इसमें नेक्स्ट उसमें देखा जाए, न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर, मतलब एक नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम है जम्मू कश्मीर के लिए, वो अप्रूव हो चुकी है। सो कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस स्कीम को अप्रूव किया है जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। सो इस स्कीम को अप्रूव किया है, और इसमें टोटल कितना अपडेट है 28,400 करोड़ तक का इसमें होगा, वो 2037 तक के लिए। सो इसका ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो इसका ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है कि जनरेट एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए डायरेक्टली लीड्स टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इससे वहाँ उस एरिया का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पर देखने को मिलेगा। सो इसके अलावा ऑल्सो इट दिस स्कीम ऑल्सो एम टू टेक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो इस स्कीम से वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा, वो भी ब्लॉक लेवल पर, जो भी और CUTs में, मतलब BUTs में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि JNK अब एक यूनियन टेरेटरीज है। सो ऑफ द JNK विच इज़ द फर्स्ट टाइम इन एनी इंडस्ट्रियल इंसेंटिव स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द, सो ये स्कीम ऑलरेडी वहाँ पर फर्स्ट टाइम है, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम ऐसी स्कीम है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखना। सो इसमें मैप में देखा जाए तो ये इतना हिस्सा ये JNK UT जाता है, और ये पूरा लद्दाख वाला एरिया, सो यहाँ से लेके यहाँ तक का लद्दाख। सो इसमें ये दोनों ही UTs हैं, UTs मतलब यूनियन टेरेटरीज। सो इसको जब ये हुआ था 370s वाले आर्टिकल जब हुआ था, अब वहाँ पे लगा हटाया था, तो अब ये UTs
क्रिएट की गई थी, तो इस चीज़ को अब याद रखना। देन नेक्स्ट इसमें देखा जाए जी किसान रेडी कमेटी के बारे में इसमें न्यूज़ में है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू फॉर्म ए कमेटी टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख, मतलब जो लद्दाख के लोगों का जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है, वहाँ की जो लैंड है, तो उनका जो उनको चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि उन सिटीजन को इंश्योर हो जाए कि उनकी जो पार्टिसिपेशन है यूनिटेडिज में वो ठीक हो। सो इस कमेटी का रोल यही है। सो द कमेटी विल हेडेड बाय द, और जो कमेटी है वो कौन हेडेड करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ होम, जो स्टेट मतलब मिनिस्टर जो है स्टेट ऑफ होम के वो कौन है, जी किशन रेड्डी, तो ये उस कमेटी को हेड करेंगे। सो इट विल इंक्लूड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सो इस कमेटी में लद्दाख के कुछ रिप्रेजेंटेटिव भी, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो भी देखने को मिलेंगे, और जो लद्दाख के जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ तक यहाँ के मेंबर भी इस कमेटी में देखने को मिलेंगे, तो इस चीज़ को अब याद रखना। सो जैसे इस आर्टिकल में देखा है कि सेंटर टू फॉर्म ए पैनल टू रिजॉल्व इशूज रिलेटिंग टू लद्दाख लैंड कल्चर, सो लद्दाख का जो लैंड या जो कल्चर है तो उसको वहाँ से रिलेटेड जितने भी इशू हैं तो ये कमेटी उन इशूज़ को देखेगी। देन इसके अलावा इंडिया टू चेयर 3 की सब्सिडरी बॉडीज ऑफ यूएनएससी, मतलब इंडिया जो चेयर करेगी, जो यूएनएससी के 3 जो बॉडीज हैं उनको चेयर करेगी। सो इंडिया विल चेयरिंग 3 की सब्सिडरी बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 3 सब्सिडरी बॉडीज हैं इंपॉर्टेंट, उनको चेयर करेगी। सो इनमें से कौन कौन से हैं, वो एक है काउंटर टेररिज्म कमेटी, दूसरी है तालिबान सैंक्शन कमेटी, एंड तीसरी कौन सी, लीबिया सैंक्शन कमेटी। तो इनका नाम याद रखना, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो दिस चेयरिंग ऑफ काउंटर टेररिज्म कमेटी हैज स्पेशल रेजोनेंस फॉर द इंडिया विच हैज नॉट ओनली बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइटिंग टेररिज्म स्पेशली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बट ऑल्सो इज वन ऑफ द बिगेस्ट विक्टिम्स। सो इंडिया का मेन फोकस इसमें है काउंटर टेररिज्म कमेटी में, ताकि वो इसका एक स्पेशल उसमें लाया गया, बिकॉज इसमें जो फोकस नहीं कर रहा है टेररिज्म फाइट पे, इसमें एक और भी किसी को फोकस कर रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे। इसके अलावा जो बिकॉज इसका जो बिगेस्ट विक्टिम इंडिया रह चुका है, तो इस वजह से मेन फोकस इसका किस पर रहेगा, काउंटर टेररिज्म कमेटी पर। इसके अलावा जो तालिबान सेक्शन कमेटी है ऑलवेज बीन ए हाई प्रायोरिटी फॉर इंडिया कीपिंग इन द माइंड बिकॉज इट स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन द कमिटमेंट टू पीस सिक्योरिटी, जो इंडिया के जो कमिटमेंट है पीस सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी डेवलपमेंट के लिए और जो प्रोग्रेस है अफगानिस्तान के, इस वजह से ये तालिबान सेंक्शन कमेटी इंडिया के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और हाई प्रायोरिटी रहती है इंडिया के। इसके अलावा इंडिया विल एज्यूमिंग द चेयर ऑफ लीबिया सेंक्शन कमेटी एट ए क्रिटिकल जंक्शन व्हेन देयर इज ए इंटरनेशनल फोकस ऑन लीबिया ऑन द पीस प्रोग्रेस। सो लीबिया में पीस प्रोग्रेस जो चल रहा है, इसकी वजह से जो इंटरनेशनल फोकस है, इस वजह से इंडिया भी अज्यूम कर रहे, इंडिया भी लीबिया सेंक्शन कमेटी को चेयर करेगा। तो याद रखना इंडिया 3 कमेटी को चेयर करेगा। देन इसके नेक्स्ट को इसमें न्यूज देखें तो सेंटर मर्ज JNK कैडर ऑफिसर विदाउट विद अगमोद, मतलब एक अगमोद स्कीम है उसके अंडर जो सेंटर जो JNK कैडर के ऑफिसर हैं उनको मर्ज कर देगा। सो इसमें ऑल एक्सप्लेन और ज़्यादा डिटेल में देखा जाए तो सेंटर मर्ज द JNK कैडर फॉर ऑल इंडिया सर्विस में, जो उसमें आते हैं लाइक IAS IPS IFS जो ऑफिसर रहते हैं, लाइक इसमें अरुणाचल प्रदेश हो गए, गोवा, मिजोरम, यूनियन टेरिटरीज, जिसमें अगमोद जिसको बोलते हैं, तो उनको मर्ज कर देगा JNK के साथ यूनियन टेरिटरी कैडर थ्रू एंड ऑर्डिनेंस, तो ऑर्डिनेंस के थ्रू उनको उसमें मर्ज कर दिया। तो अगमोद मतलब इसमें अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, मिजोरम हो गया या यूनियन टेरिटरी, तो इसका मेन फोकस ये। सो प्रेसिडेंट हैज़ प्रोमोटेड दैट ऑर्डिनेंस टू अमेंड JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एंड मेक IAS IPS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर ऑफ एग्जिस्टिंग कैडर ऑफ JNK एंड पार्ट ऑफ अगमोद कैडर। सो JNK के जितने भी ऑफिसर होंगे वो अगमोद कैडर के पार्ट हो जाएंगे। सो द मूव विल बी अलाउ ऑफिसर पोस्टेड इन दीज स्टेट एंड UT टू वर्क इन द JNK एंड वाइस वर्सा। सो इनका जो वर्क जो पोस्टेड हो जाएगा वो JNK से अगमोद, अगमोद से JNK, सो वाइस वर्सा प्रोसेस हो जाएगा। सो इट विल ऑल्सो हेल्प टू टैकल द शॉर्टेज ऑफ इंडियन ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर इन JNK। सो जो शॉर्टेज जो हो रही थी ऑफिसर की, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर की जो JNK में, तो उससे और उससे ये चीज़ें और ज़्यादा रिजॉल्व हो जाएंगी। सो अर्लियर रूल फिक्सिंग द रेशियो ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन सिविल सर्विस टू द प्रोमोटीज फ्रॉम JNK
मतलब इससे पहले जो चीज़ थी वो एक चीज़ें फिक्स थी कि इनकी जो रेशो होगा वो फिक्स होगा, जे एन के स्टेट सिविल सर्विस मतलब जो जे एन के स्टेट सिविल सर्विस थी उनका फिक्स हो गया था, लाइक वो 50-50 इंस्टीड ऑफ 67 और 33 फार्मूला फॉलोड द अदर स्टेट। सो इस चीज़ को पूरा उन्होंने कैंसिल करते हुए उनको सेंटर ने जे एन के और अगमोद में मर्ज कर दिया। तो ये भी जो शॉर्टेज जो आएगी ऑफिसर्स की वो अब देखने को नहीं मिलेगी। सो अब नेक्स्ट इसमें देखें गंगटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में, बिकॉज ये न्यूज़ में इसलिए है कि एक वीडियो वायरल हुई थी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से कि वहाँ पर एक जो गंगटिक रिवर डॉल्फिन है उसको कुछ लोगों ने मारते हुए वीडियो क्लिप बना ली थी और उसको सोशल मीडिया पर वायरल डाल दिया। तो इस वजह से ये गंगटिक रिवर डॉल्फिन है वो न्यूज़ में आ जाती है। सो ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है जिसका नाम गंगटिक रिवर डॉल्फिन वहाँ पर देखने को मिलेगी और इसको नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया उसकी तरह देखा गया, मतलब इस ये एक नेशनल एक्वाटिक एनिमल है इंडिया का, तो इसी वजह से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है तो ये भी देखना। सो ये ऐसी देख ये इसकी इमेज है तो ये कितना अच्छा जानवर है। सो इसमें और ज़्यादा डिटेल में देखा जाए तो इसका साइंटिफिक नाम है प्लेटेनिस्टा गंगेटिक, ये इसका साइंटिफिक नाम है। देन ये जनरली ब्लाइंड होती है बट ये जो अपने जो शिकार जो अपने जो शिकार जब करती है तो जब तो ये ना अल्ट्रासोनिक साउंड है उसको इमिट करती है, इस वजह से वो चीज़ों को लोकेट कर सकती है। सो ब्लाइंड होने की वजह से तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड को इमिट करती है तो उस चीज़ों से उसको लोकेट कर सकती है चीज़ों को। सो विच रीच द प्रे, सो दीज ऑल्सो कॉल्ड सुसू, सो इसको दूसरा नाम भी उसको सुसू बोला जाता है। सो इसको जब अगर उसमें देखा जाए तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पर्टिकुलर गंगा वाला ब्रह्मपुत्र जो मेघना वाला जो डेल्टा है वहाँ पर देखने को मिलेगा, लाइक इसमें कनपुली संगू रिवर सिस्टम वहाँ भी दूसरे इसको देखने को मिलेगा, देन गंगा के ट्रिब्यूटरीज वहाँ भी इसमें इस डॉल्फिन को देखने को मिलेगा। इसके अलावा इट्स का जो ऑफिशियल एनिमल है वो गुवाहाटी का भी है, असम का भी है और नेशनल एक्वाटिक एनिमल इंडिया का भी है और इसका आईयूसीएन स्टेटस हमें बताया ये एक इंडेंजर्ड है तो इस चीज़ को भी आप याद रखना। देन नेक्स्ट इसमें देखा जाए थाउजेंड आइलैंड मतलब इसमें कैसा न्यूज़ बना है, एक श्री विजय एयर बोइंग 3737 पैसेंजर प्लेन था वो क्रैश हो चुका था इंडोनेशिया में, इस वजह से ये थाउजेंड आइलैंड न्यूज़ में है। सो 9 जनवरी 2021 को बोइंग 737-500 पीके सेल से फ्लाइट थी जो कहाँ से ऑपरेट कर रही थी, श्री विजय एयर फ्लाइट थी वहाँ से, तो इसमें जो 182 जो भी थे इसमें पैसेंजर प्लस इसमें क्रू मेम्बर था पर वो पहले तो मिसिंग हो गए, बाद जब वहाँ से उन्होंने टेक ऑफ किया जकार्ता सोइंकोरो और हट्टा एयरपोर्ट से, बट बाद में ये उसमें न्यूज आई कि ये एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो चुका था थाउजेंड आइलैंड्स के आसपास में, तो इसी वजह से ये थाउजेंड आइलैंड थोड़ा न्यूज़ में आता था इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसकी लोकेशन देखा जाए तो ये इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया में जकार्ता के पास ही ये आइलैंड्स देखने को हमें मिलेंगे। सो इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इंडिया के साउथ ईस्ट में देखने को हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो साउथ ईस्ट में या जो यहाँ पर जो अंडमान निकोबार आइलैंड है तो अंडमान निकोबार के साउथ में ये आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट इसमें न्यूज़ भी देखा जाए अरुणाचल प्रदेश लाइकली टू बिकम इंडियाज प्राइम प्रोड्यूसर ऑफ वेनेडियम, मतलब अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम हमें देखने को मिलता है, तो इसी वजह से जो अरुणाचल प्रदेश हो गया वो एक प्राइम प्रोड्यूसर हो जाता है वेनेडियम का। सो वेनेडियम के बारे में इसमें देखा जाए सो एक लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ वेनेडियम वर्ल्ड में देखा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, चाइना में, और चाइना के बाद रशिया और फिर साउथ अफ्रीका में। सो चाइना के पास अभी तक 57% रिजर्व है पूरा वर्ल्ड का वेनेडियम का देखा जाए, जो कि ऑल्सो इस कंज्यूम करता है 44% ऑफ द मेटल इन 2017। सो चाइना मतलब रिजर्व के मामले में काफ़ी लकी कंट्री है और इंडिया के लिए देखा जाए इंडिया एक सिग्निफिकेंट कंज्यूमर है वेनेडियम का, बट वो एक प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है, मतलब कंज्यूमर है बट प्रोड्यूसर नहीं बन पा रहा बिकॉज इंडिया के पास इतने रिजर्व नहीं है जितना चाइना रसिया और साउथ अफ्रीका के पास है। सो डेटा से अकॉर्डिंग देखा जाए जीएससी डेटा के हिसाब से इंडिया कंज्यूम करता है 4% ऑफ अबाउट 84,000 टन ऑफ वेनेडियम प्रोड्यूस अक्रॉस द ग्लोब, मतलब 2017 के डेटा के हिसाब से इंडिया सिर्फ 4% वेनेडियम कंज्यूम करता है, कितना हो जाता है 84,000 टन।
सो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो उन्होंने देखा था, तो उसको देखा जाए तो उसको अरुणाचल प्रदेश में ये वेनेडियम के कुछ उसमें और उसमें देखने को मिला था। इसमें प्रॉमिसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द वेनेडियम इन द प्लेयो प्रेटो प्रोटेरो जो एक जो कार्बोनेशन फाइलेट रॉक थी वहाँ पे, इसमें जो तमांग एरियाज में था वहाँ पर इसमें वेनेडियम के कुछ अंश देखने को मिले थे। इसी वजह से ये न्यूज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो वेनेडियम के बारे में देखा जाए, वेनेडियम एक केमिकल एलिमेंट जिसका सिंबल क्या है वी, और इसका एटॉमिक नंबर देखा जाए वो है 23। तो एक हार्ड सिल्वर ग्रे मेलेनियम ट्रांजिशन मेटल है। सो इस चीज़ को अब याद रखना है, सिल्वर ग्रे का मेटल होता है। सो द एलिमेंट मेटल इज रेयरली फाउंड इन नेचर, सो काफ़ी मुश्किल से नेचर में देखने को मिलेगा, और मोस्टली ये चाइना सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, इसका रिजर्व कहाँ है वो है चाइना में। तो इस चीज़ को अब याद रखना। सो इट इज़ रिकवर्ड बाई ए प्रोडक्ट फ्रॉम द स्लैग कलेक्टेड फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ वेनेडिफेरस मैग्नेटिक ओर्स, मतलब आयन जो एक ये एक ओर्स में देखने को मिलेगा तो वहाँ से उसको प्रोसेस किया जाएगा वेनेडी फॉरेस्ट में मैग्नेट आय ओर से। तो प्रोसेस करके ही जब उसको पूरा क्लियर किससे वेनेडियम इसको बना के देखेंगे, तो उसमें ये है कि डायरेक्टली नहीं मिलता, इसको प्रोसेस करना पड़ता तब जाके होता, और इसका जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल टफ होता है। सो वेनेडियम की जो हाई वैल्यू मेटल यूज है उसको वेनेडियम का कहाँ यूज़ किया जाता है, स्टील और टाइटेनियम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने, और इस पर इसके अलावा वेनेडियम को न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से ये न्यूज़ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। देन इसमें और देखें न्यूज़ में, सो बक्सारा प्रांत में, सो बक्सारा प्रांत में एक न्यू डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में बनाया गया है। तो इस चीज़ को है बक्सारा प्रांत जो एक न्यू डिस्ट्रिक्ट टू बी क्रिएटेड इन गुजरात। सो गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने डिसाइड किया है कि एक न्यू बक्सारा प्रांत जो अमरेली डिस्ट्रिक्ट में बनाने को उन्होंने डिसाइड किया है। सो दिस विल टेक द स्टेट रेवेन्यू सर्विस नियर टू द पीपल एंड प्रोवाइड सर्विस फास्टर। इस मूव से जो स्टेट की जो रेवेन्यू सर्विस है वहाँ के आसपास के लोगों को और ज़्यादा फास्टर तरीके से और उनको सर्विस और ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो न्यूली क्रिएटेड बक्सारा प्रांत है वुड कम इनटू इफेक्ट इन, और जी जो प्रांत है वो कब से देखने को मिलेगा, कब से वो इफेक्ट में आने को देखने को मिलेगा, वो होगा 26 जनवरी से। छपे विच इंक्लूड्स अ बक्सारा एंड वदिया तालुका, जो कि कहाँ इंक्लूड होगा, बक्सारा और वदिया तालुका से। तो इस न्यूज़ को भी याद रखना। देन लोकेशन इसकी देखा जाए तो ये गुजरात का मैप है, तो गुजरात में साउथ में देखा जाए तो यहाँ पे ये वो बक्सारा प्रांत देखने को मिलेगा। देन सॉरी सो नेक्स्ट इसमें देखा जाए, फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन कालाबुर्गी टू तिरुपति फ्लैग्ड ऑफ अंडर उड़ान, मतलब कालाबुर्गी से तिरुपति की जो फ्लाइट थी वो पहली फ्लाइट डायरेक्ट फ्लाइट है वो किसके अंडर है, उड़ान के अंदर। तो ये न्यूज़, तो स्टेट स्टार एयर कमांड्स द डायरेक्ट डेली फ्लाइट ऑपरेशन कहाँ से, कालाबुर्गी से जो कर्नाटका में, तिरुपति और जो आंध्र प्रदेश में, वो कहाँ से देख रहे हो, एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर है जिसको नाम है उड़ान, जिसका मतलब है उड़े देश का आम नारे। सो तिरुपति सिटी के बारे में देखा जाए तो एक तरह का स्पिरिचुअल कैपिटल है आंध्र प्रदेश का वो, और इसके अलावा इट इज़ होम टू द मोस्ट फेमस श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल है वहाँ पर, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, इसको तिरुपति बालाजी टेम्पल भी बोला जाता है, और विच हैज़ इट्स नेम इन द मोस्ट विजिटेड श्रीन अक्रॉस द ग्लोब, और इसको मोस्ट विजिटेड श्रीन अक्रॉस द ग्लोब की लिस्ट में भी उसको इसका नाम भी आया है। तो इस चीज़ को आप याद रखना, तिरुपति सिटी आंध्र प्रदेश। और इसके अलावा उड़ान के बारे में देखा जाए जिसका नाम, इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। सो एक रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट रीजन, मतलब एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लेटिंग द कॉमन सिटीजन ऑफ द कंट्री फ्लाई, मतलब जो इंडिया के जो कॉमन सिटीजन है उनको फ्लाई करने के लिए, मतलब प्रोवाइड किया जाए, मतलब उनको ऐसी सर्विस दिया जाए ताकि जो कॉमन पीपल हैं उनको प्लेन में जो उनकी सुविधा दिया जाए। जैसे इस वजह से इसका नाम इसको लिखा है उड़े देश का आम नागरिक, मतलब जो आम नागरिक है उनको फ्लाइट की सुविधा दी जाए। सो इसका मेन एम है कि मेकिंग एयर ट्रेवल अफोर्डेबल, जो एयर ट्रेवल है उसको अफोर्डेबल बनाया जाए, ताकि अफोर्डेबल मीन्स फ्लाइट जो एयरप्लेन की जो टिकट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, इसी वजह से इसको इस स्कीम के अंडर उसको जो एयर ट्रेवल है उसको और ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया जाएगा। देन इसके अलावा
बूस्ट किया जाएगा जो इंक्लूसिव नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जॉब ग्रोथ है, या जो एयर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा बूस्ट किया जाएगा सभी रीजन में। और ये स्कीम जो किसके अंडर आती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। देन नेक्स्ट इसमें देखा जाए, सो पीरियड रूम सेटअप फॉर मेंस्यूरेटिंग वुमेन इन थाने। सो थाने डिस्ट्रिक्ट में एक पीरियड रूम सेटअप किया गया है वुमेन्स के लिए। सो इन ए बिट टू हेल्प द वुमेन रिसाइडिंग इन कंजस्टेड स्लम ड्यूरिंग देयर मेंस्यूरेशन, जब उनका पीरियड, सो जब मेंस्यूरेशन डे चलता है तो उनके लिए, वुमेन्स के लिए एक पीरियड रूम बनाया गया है, जो कि एज ए सेटअप है पब्लिक टॉयलेट इन द महाराष्ट्र थाने सिटी। सो महाराष्ट्र थाने सिटी में एक चीज पीरियड रूम देखने को मिलेगा। सो इक्विप्ड विद सेवरल बेसिक, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेसिक फैसिलिटीज वहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक पीरियड रूम्स होगा जिसको फैसिलिट किया जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन वहाँ पर देखने को मिलेंगे अमंग द वुमेन ड्वेलिंग इन द स्लम्स। तो ये इसका मेन एम है। इसके अलावा द फैसिलिटी सेटअप विद द कीपिंग इन द माइंड द वुमेन लिविंग इन द स्मॉल हाउसेज हु डू नॉट हैव ए सेपरेट बाथिंग सेक्शन। तो मतलब उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो महिला छोटे घर में रहती हैं उनके लिए, या वहाँ पर उनकी एक सेपरेट बाथिंग सेक्शन नहीं है, तो उनके लिए और ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा मैनी टाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू चेंज ड्यूरिंग इस पीरियड। सो जो पीरियड का जो टाइम होता है, तो वो कुछ चीज़ें डिफिकल्टी टाइम होता है, ताकि वो चेंज करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे ये पीरियड रूम है, वो चेंजेस में उनको और ज़्यादा ईजी वे में चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा दिस फैसिलिटी विल बी बून फॉर अ सच वुमेन एंड गो अलॉन्ग ए वे टू प्रोमोटिंग गुड हाइजीन। जो गुड हाइजीन प्रोमोट करती है या जो लॉन्ग वे में होते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होगी इन वुमेन्स के लिए। सो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्कस की जा रही है न्यूज़ में। तो ऐसा ही इसमें है कि पीरियड रूम सेटअप फॉर वुमेन इन महाराष्ट्र थाने स्लम, तो इस चीज़ को भी अब याद रखना। देन नेक्स्ट इसमें देखा जाए, खादी प्राकृतिक पेंट, मतलब एक पेंट जो प्राकृतिक पेंट है उसमें बनाए गए। तो यूनियन मिनिस्टर हमारे कौन है, MSME के, उन्होंने लॉन्च किया है इनोवेटिव न्यू पेंट डेवलप्ड बाय ए खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसको KVIC बोलते हैं। तो उन्होंने एक न्यू पेंट डेवलप किया है। सो ये जो ये इको फ्रेंडली पेंट है, नॉन टॉक्सिक पेंट है, इसको नाम किया है खादी प्राकृतिक पेंट। सो इको फ्रेंडली है और नॉन टॉक्सिक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। सो इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोडक्ट विद एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। इसमें एंटी फंगल की प्रॉपर्टीज हैं, एंटी बैक्टीरियल की प्रॉपर्टीज हैं। सो द पेंट हैज बीन सर्टिफाइड बाय ए ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, और इसको ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड है उसने सर्टिफाइड कर चुका है। सो इसके अलावा खादी प्राकृतिक पेंट इज अवेलेबल टू फॉर्म, और ये दो फॉर्म में अवेलेबल है। एक है डिस्टेम्पर में, डिस्टेम्पर पेंट के जो टाइप होते हैं उसमें, और दूसरा है प्लास्टिक पेंट में, प्लास्टिक इमल्जन पेंट, मतलब एक तो। सो ये दो टाइप में अवेलेबल है, डिस्टेम्पर में, दूसरा प्लास्टिक में। इसके अलावा बेस्ड ऑन अ काउडंग, इट बेस्ड ऑन अ काउडंग एंड इसमें मेन इंग्रीडियंट, और इसके जो इंग्रीडियंट में देखा जाए तो काउडंग इसका मेन इंग्रीडियंट है। इसके अलावा जो पेंट इज कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ऑर्डरलेस भी, मतलब ये कॉस्ट इफेक्टिव मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और इसमें से कोई भी स्मेल वगैरह नहीं आती, इस वजह से ये ऑर्डरलेस भी है। सो द पेंट इज़ फ्री फ्रॉम हैवी मेटल लाइक, और ये इसमें कोई भी ऐसा मेटल देखने को मिलेंगे लाइक जो लेड होता है, मरकरी, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम, या जो अदर जो मेटल होते हैं उसमें देखने को, जो बाकी अदर्स पेंट्स में देखने को मिलते हैं। सो इस चीज़ को भी याद रखना। देन नेक्स्ट इसमें देखा जाए, सो इट विल ए बूस्ट फॉर ए लोकल, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको और ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा, या जो सस्टेनेबल जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है होते हैं, या जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है वो इसमें देखने को मिलेगी। सो इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा। सो दिस टेक्नोलॉजी विल इंक्रीज कंजप्शन ऑफ काउडंग, सो इस टेक्नोलॉजी से जो काउडंग का जो कंजप्शन है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो एज ए रॉ मटेरियल, बिकॉज इसमें जो रॉ मटेरियल है, जो इसका जो मेन इंग्रीडियंट है वो काउडंग ही है। सो एज ए रॉ मटेरियल फॉर, और इससे ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बन जाता। सो इट विल जनरेट एडिशनल रेवेन्यू टू द फार्मर, और जो फार्मर्स का जो रेवेन्यू उसमें और एडिशनल जनरेट और एडिशनल उसमें प्रॉफिट इंक्रीज देखने को मिलेगा, जो फार्मर्स हो गए, जो गौशाला हो गए। सो दिस एस्टिमेट टू जनरेट एडिशनल इनकम ऑफ 30,000 अप्रॉक्स पर एनम पर एनिमल टू द फार्मर। तो इसमें एस्टिमेट में लगा कि कितना एडिशनल इनकम होगा, 30,000 पर एनम पर एनिमल टू द फार्मर, जो फार्मर के जो एनिमल होंगे तो पर लगाया तो 30,000 पर एनम, तो इतना एडिशनल इनकम इसमें देखने को मिलेगी। देन KVIC के खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में इसमें देखे हैं, बिकॉज ये जो पेंट है उसके अंडर ही हुआ है। तो
ये एक स्टैचुरी बॉडी है जिसको फॉर्म किया गया था अप्रैल 1957 में बाय द गवर्नमेंट इंडिया अंडर द एक्ट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956। तो इस चीज़ को याद रखना, ये एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है किसके मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडिया इंटरप्राइज, मतलब MSME, शॉर्ट में MSME मिनिस्ट्री बोलते हैं। तो इसका विजन देखा जाए, इसका विजन टू प्लान प्रमोट फैसिलिट एंड ऑर्गेनाइज एंड असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी, मतलब जो खादी और जो विलेज इंडस्ट्री है जो उसको इसके लिए प्लानिंग करना, उसको प्रमोट करना और ज़्यादा फैसिलेट करना, चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है ना। वो भी सब जो भी कहाँ पर रूरल एरियाज में ज़्यादा देखने को इसका मिलेगा, और इसके अलावा जो अदर एजेंसी होते हैं जिसमें इंगेज होते हैं उनके लिए रूरल डेवलपमेंट में बाकी चीज़ों को प्रोवाइड करना। और इसका जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस इसका मुंबई में, और इसके 6 जोनल ऑफिस हैं, वो कहाँ हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी, मतलब एक ऑफिस हो गया हेड ऑफिस प्लस 6 इसके जोनल ऑफिस है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना। अब नेक्स्ट इसमें देखा जाए 30 नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, मतलब नेका 30 में ऐसा अवार्ड है। सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर और किसके साथ, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE है, उसने ऑर्गेनाइज किया है 30 नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। सो द एनर्जी कंजप्शन स्टैंडर्ड विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2020। जो एनर्जी कंजप्शन स्टैंडर्ड है वो 1 जनवरी से इफेक्टिव में आ गए हैं। सो द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू सेव अराउंड, सो जो इनिशिएटिव है उसके लिए उससे एक्सपेक्ट किया जाता है वो कितना बिलियन यूनिट सेव होगी, इससे होगी 8.41 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो एयर कंप्रेसर से होती है उतना सेव होगी, और जो UHD TV जो वगैरह होती हैं LED होती हैं वो कितना सेव करेंगे, 9.75 बिलियन यूनिट्स 2030 तक इतना सेव हो जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेड इनिशिएटिव के द्वारा इतना एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। और इसके अलावा जो एक साथी स्कीम है जिसका नाम साथी पोर्टल है, सॉरी स्कीम नहीं पोर्टल है, साथी इसका नाम है स्टेट वाइज एक्शन ऑन एनुअल टारगेट एंड हेड वे ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, जो एक पोर्टल है फॉर स्टेट डेजिनेटेड एजेंसी फॉर स्टेट लेवल एक्टिविटीज वाज आल्सो लॉन्च। तो इसमें स्टेट लेवल एक्टिविटीज में लॉन्च की जाएंगी इस पोर्टल पर, इस पॉइंट को तो इस वजह से इस पॉइंट को भी याद रखना। देन नेक्स्ट न्यूज में देखे जाए तो BSNL जो MTNL है ना वो टर्न हो गए EBITDA पॉजिटिव, मतलब इसमें देखते हैं। सो स्टेट ओन जो अंडरटेकिंग है जो भारत संचार लिमिटेड जिसको BSNL बोलते हैं और जो महानगर टेलीफोन लिमिटेड है जिसको MTNL बोलते हैं वो EBITDA पॉजिटिव हो गए हैं, मतलब 1st 6 month ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। EBITDA मतलब क्या होता है, EBITDA स्टैंड फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, मतलब उन्होंने अर्निंग कर लिया बिफोर इंटरेस्ट और टैक्सेस डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टिगेशन। EBITDA इज ए मेजर ऑफ प्रॉफिट, मतलब एक तरह का जो मेजरमेंट हो गया प्रॉफिट मेजर करने का मेजरमेंट है, तो इस चीज़ को याद रखना। सो इट इज़ ए मैट्रिक यूज टू इवोल्यूट ए कंपनीज ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो कंपनीज की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखे जाए तो इससे थोड़ा मेजरमेंट किया जा सकता है। सो EBITDA इज ए नाउ कॉमनली यूज फॉर कंपेयर द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनीज, सो इससे कंपनीज की जो फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा टू एवोल्यूट फर्म डेट डिफरेंट टैक्सेस रेट एंड डेप्रिसिएशन पॉलिसीज, और जो इसके अलावा जो फर्म्स की जो डिफरेंट टैक्सेस रेट्स हैं या जो पॉलिसीज हैं वो इसमें एवेल्यूट देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो EBITDA जो है EBITDA है इज नॉट ए सब्सिट्यूट फॉर द एनालिसिस इन द कंपनीज कैश, बट एक सब्सिट्यूट नहीं है जिससे कंपनीज का जो कैश फ्लो भी इसमें एनालिस किया जाए, तो इस चीज़ को याद रखना। बस ओनली किसके लिए, कैन मेक ए कंपनीज लुक लाइक ए मोर मनी टू मेक इंटरेस्ट, बस ये है कि कंपनी की अच्छी इसमें देखने को मिलेगी, जिसमें ये बोला गया है। देन इसमें न्यूज़ में भी काफ़ी चल रहा था कि BSNL MTNL EBITDA पॉजिटिव इन फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, सो ये इसमें न्यूज़ थी, तो इस चीज़ को याद रखना। तो ऐसे काफ़ी सारे टर्म ना UPSC बहुत आसानी से पूछता है, तो याद रखना। देन अब इसमें देखते हैं CVIGIL 2021 जो एक्सरसाइज चल रही है, तो इसका सेकेंड एडिशन स्टार्ट हो सका, जो बाइनुअल मतलब 2 साल में ये एक बार होते हैं, तो इन्हीं को बाइनुअल बोलते हैं। सो एक पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज जिसका नाम CVIGIL 2021 है वो कब से कब तक हो रही है, 12 से लेकर 13 जनवरी तक हो रही है। सो द एक्सरसाइज अंडरटेकिंग अलॉन्ग द एंटायर 7 मतलब जो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है पूरी कोस्ट लाइन पर ये एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, और इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है 7,516 किलोमीटर इतनी कोस्ट लाइन है। और इसके अलावा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो इंडिया का वहाँ पर भी इस एक्सरसाइज देखने को मिलेगी।
सो इट विल इन्वॉल्व ऑल द 13 कोस्टल, जितने भी इंडिया के कोस्टल स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ पर ये चीज़ एक्सरसाइज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो अदर इसमें स्टेक होल्डर हैं लाइक मैरिटाइम स्टेट होल्डर हो गए या जो फिशिंग और जो कोस्टल कम्युनिटी होते हैं उसमें भी ये इनका पार्टिसिपेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा द एक्सरसाइज बींग कोऑर्डिनेटेड बाई द इंडियन नेवी, और जो ये एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज है वो कोऑर्डिनेट किसके द्वारा किया जाएगा, इंडियन नेवी के द्वारा। सो द एक्सरसाइज बिल्डअप टूवार्ड्स द मेजर थिएटर लेवल एक्सरसाइज जिसको नाम है टोपैक्स, और थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशन एक्सरसाइज इसके अकॉर्डिंग इसको बिल्डअप किया जा रहा है। सो विच इंडियन नेवी कंडक्ट एवरी 2 ईयर्स, सो इसको इंडियन नेवी हर 2 साल में इसको कंडक्ट करती हैं। सो सी विजिल और टोपैक्स टूगेदर विल कवर द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंज। सो ये दोनों ये पूरा जो एंटायर स्पेक्ट्रम उसको कवर कर ले, लाइक मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंज हो गए, इसमें जो पीस टू कंफ्लिक्ट वाले हों तो उसमें भी इसमें देखने को मिलता है। ये द हिंदू का कटआउट इसमें देखा, सी विजिल एक्सरसाइज इंक्लूडेड। सो इसमें काफ़ी सारे 100 ships अलॉन्ग में काफ़ी सारी चीज़ में देखने को मिले, तो इस चीज़ को याद रखना कि इंडिया के जितना भी कोस्टल एरिया वहाँ पर पूरे को देखने मिले 7516, तो इस चीज़ को याद रखना। देन नेक्स्ट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ LCA तेजस, मतलब लाइफ LCA मीन्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। तो जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस था उसको अप्रूव किया गया है कम्युनिटी के द्वारा। सो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव कर लिया है जो 73 जो LCA तेजस थे Mark 1A के फाइटर को एयरक्राफ्ट, और जो 10 LCA तेजस थे उनके जो MK1 trainer एयरक्राफ्ट के लिए। सो लाइट LCA मीन्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1 एक वेरिएंट है जो कि इंडिजिनसली डिजाइंड है, मतलब हमने खुद उसको डिजाइन किया गया। सो इट्स अ डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न 4th generation फाइटर एयरक्राफ्ट, तो इस पॉइंट को याद रखना। सो दिस एयरक्राफ्ट इज इक्विप्ड विद क्रिटिकल ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोनिक स्कैन एरेज, मतलब इसमें टेक्नोलॉजी है कि क्या क्या टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, इसमें एक्टिव इलेक्ट्रोनिक स्कैन एरेज हैं, देन इसमें रडार, मतलब इसको रडार बोला गया, देन बियॉन्ड विजुअल रेंज भी इसमें देखने को मिलेंगे, बियॉन्ड विजुअल मिसाइल इसमें देखने को मिलेंगे, देन इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एंड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग इसमें देखने को मिलेंगे, मतलब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग मतलब हवा में उड़ते हुए इसमें रिफ्यूल, मतलब उसमें पेट्रोल जो मतलब फ्यूल है वो भरा जा सकता है। सो इसमें इतने सारे फीचर हैं। सो इट विल पोटेंट प्लेटफॉर्म टू मीट द ऑपरेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, सो जितनी भी इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको ये मीट कर रहा है LCA तेजस, तो इस चीज़ को याद रखना। इसके अलावा इट इज़ द फर्स्ट बाई इंडियन इंडिजिनियस डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी, सो इट ऐसा पहला है जो इंडियन इंडिजिनियस डिजाइन है और डेवलप एंड मैन्युफैक्चर कर रहा है। सो कैटेगरी प्रोग्राम ऑफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विद एन इंडिजिनियस कंटेंट 50%। सो कैटेगरी प्रोग्राम के हिसाब से देखा जाए जो ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इसमें 50% इंडिजिनियस कंटेंट है, इसके अलावा विच विल प्रोग्रेसिवली रीच 60% बाई द एंड ऑफ द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम के एंड कितना परसेंट इनक्रीज हो जाएगा वो 60%, मतलब जो इंडिजिनस कंटेंट है वो 50 से लेकर 60% था। और इसके अलावा हमारे चैनल पर इसके रिलेटेड वीडियो भी पड़ी हुई कि लिखा है कि कैबिनेट कमेटी अप्रूव तेजस डील विद 48,000 crore, तो इस चीज़ को याद रखना, तो इसके रिलेटेड वीडियो भी है, तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट इसमें देखा जाए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस न्यूज़ में है बिकॉज जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है प्रधानमंत्री ये सक्सेसफुल उसने 5 साल अपने कंप्लीट कर लिए हैं जो 13 जनवरी को, तो इसी चीज़ की वजह से ये न्यूज़ में है। सो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब ये कब लॉन्च हुई थी 2016 में, सो एक इंश्योरेंस सर्विस स्कीम है वो फार्मर्स के लिए, फार्मर्स की, तो इस चीज़ को याद रखना इंश्योरेंस सर्विस स्कीम है फार्मर्स के लिए। सो इसका एम देखा जाए तो टू रिड्यूस द प्रीमियम, जो प्रीमियम बर्डन है जो फार्मर्स को मिलता है बर्डन हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए रिड्यूस करने के लिए ये स्कीम है। इसके अलावा इट इंश्योर अर्ली सेटलमेंट, जो अर्ली सेटलमेंट जो होते हैं क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम टू फुलफिल इंश्योर सम, मतलब अर्ली सेटलमेंट मतलब अगर बाई चांस फार्मर्स की फसल पर कुछ हो जाता है तो अर्ली सेटलमेंट तो उनको अगर हो जाता है तो उनका इंश्योरेंस तो हो रखता है। सो अगर कुछ भी हो जाता है उनको इंश्योरेंस वाले जो पैसे हैं फार्मर्स को मिल जाएंगे, तो इसमें ये बेनिफिट है, तो इसमें यही बोला गया अर्ली सेटलमेंट, तो इसी को याद रखना। इसके अलावा इट वॉज फॉर्मुलेटेड
इन ए लाइन विद द वन नेशन वन स्कीम थीम बाय रिप्लेसिंग द अर्लियर टू स्कीम नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो NAIS है देन इसके अलावा मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर नेशनल इंश्योरेंस स्कीम तो उसको फॉर्मेट किया जा रहा है वन नेशन वन स्कीम के अकॉर्डिंग की थीम पर। इसके अलावा द स्कीम कवर ऑल फूड ऑयल सीड मतलब इसमें सभी जितने भी फूड हैं या जो ऑयल सीड क्रॉप हैं उसको कवर किया जाएगा। इसके अलावा जो ऑन जो एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैं जो पहले नहीं थी तो उसमें भी ये चीज़ें उनको कवर किया जा रहा है। सो इट्स अवेलेबल एंड विच इज़ रिक्वेस्टिंग नंबर ऑफ क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो हो रहे हैं आर बीइंग कंडक्टेड अंडर जनरल क्रॉप एस्टिमेट सर्वे। तो इसमें ये सारी फैसिलिटीज हमें देखने को मिल रही हैं तो इससे फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को हुआ। देन इसमें के अलावा मणिपुर फोर्थ स्टेट टू अंडरटेक अर्बन लोकल बॉडीज मन सो मणिपुर चौथा स्टेट हो जाता है जो अंडर जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उसमें रिफॉर्म करता है। सो इसमें ये न्यूज़ है तो मणिपुर हैज़ नाउ बिकम एलिजिबल टू मोबिलाइज एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज और 75,000 करोड़ थ्रू ओपन मार्केट बोरिंग। तो अब सो इस रिफॉर्म से मणिपुर जो है अब एलिजिबल हो जाता है कि वो मार्केट से 75,000 करोड़ के जो रिसोर्सेज हैं वो दे सके वो मार्केट से बोरो कर सके अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। सो इट इज़ नाउ दी जॉइंट टू थ्री अदर स्टेट्स नेमली सो इसके अलावा तीन ऐसे स्टेट हैं उनके में ज्वाइन करें लाइक कौन कौन से हैं वो आंध्र प्रदेश हो गया मध्य प्रदेश और तेलंगाना हु हैव कम्प्लीटेड दिस रिफॉर्म जो ऑलरेडी इस रिफॉर्म को कम्प्लीट कर चुके हैं। सो रिफॉर्म्स इन अर्बन लोकल बॉडीज एंड अर्बन यूटिलिटी रिफॉर्म आर एम टू फाइनेंशियली स्ट्रेंथन ऑफ द अर्बन सो इनका जो मेन जो एम जो होता है ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको फाइनेंशियली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथ करना है। इसके अलावा जो स्टेट में जो होता है और इसके अलावा जो इनेबल देम टू प्रोवाइड बेटर पब्लिक स्टेल इसके अलावा जो पब्लिक हेल्थ है उसको और बेटर करना सैनिटेशन सर्विस और ज़्यादा इंश्योर करना इन्हेंस करना तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। सो नेक्स्ट इसमें देखा जाए मील वॉर्म जो फर्स्ट इंसेक्ट है उसको कंज्यूम किया जा सकता है यूरोप में एज ए ह्यूमन फूड की तरह। तो ये मील वॉर्म जो फर्स्ट ऐसा इंसेक्ट है उसको अप्रूव किया चुका है यूरोप में जिसको ह्यूमन फूड की तरह उसको कंज्यूम किया जा सकता है। सो ये जो डिसीजन है वो किसके द्वारा यूरोपियन फूड सेफ्टी एजेंसी है उसके द्वारा हुआ है कि जो मील वॉर्म है उसको हम एज ए फूड की तरह कंज्यूम कर सकते हैं उसको। इसके अलावा यूज एज ए होल एंड ड्राइड करीज उसके अलावा जो अदर रेसिपी है उसमें भी इसको यूज़ करें लाइक ए फ्लोर टू मेक बिस्किट पास्ता ब्रेड तो इनमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इसके बारे में और देखें ये रिच इन प्रोटीन में काफ़ी रिच होता है फैट फाइबर में ये काफ़ी ज़्यादा रिच होता है। दे आर लाइकली टू बी द फर्स्ट ऑफ द मैनी इंसेक्ट टू फीचर इन यूरोपियन प्लेट्स इन द कमिंग ईयर सो ऐसा ये फर्स्ट मतलब पहला ऐसा होगा जो ये यूरोपियन प्लेट्स में आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। सो मील वॉर्म आर द लार्वल फॉर्म ऑफ द मील वॉर्म बीटल टीने बीरियो मोलिटर एंड स्पीसीज ऑफ डार्कलिंग बीटल मतलब ये एक फॉर्म है मील वॉर्म बीटल का। सो इसमें बोला है इसके अलावा डेस्पाइट देयर नेम मील वॉर्म आर बीटल लार्वा रेदर देन वॉर्म सो ये एक तरह का एक बीटल लार्वा है रेदर देन वॉर्म में बोला है कि इसके अलावा दे ऑल्सो गो थ्रू फोर लाइफ तो इसकी चार लाइफ स्टेज हैं। पहले एग में होता है देन ये लार्वा में कन्वर्ट होता है लार्वा के बाद देन पूपा देन पूपा के बाद देन एडल्ट सो एडल्ट लाइक होलो मेटाबॉलिक इंसेक्ट जब इसमें पूरा क्रिएट होता है। सो ये इसकी पिक्चर है तो ये ऐसा देखने को मिलता है। सो ये कुछ सालों में यूरोपियन कंट्रीज में एज ए ह्यूमन फूड की तरह इसको कंज्यूम किया जा सकता है तो इस चीज़ को याद रखना अगर आप यूरोप जाओगे तो इसका भी कंज्यूम कर सकते हो तो चेक करके बताना। देन नेक्स्ट PM टू लॉन्च पैन इंडिया रोल आउट ऑफ COVID-19 वैक्सीनेशन ड्राइव सो जो इंडिया में जो वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो चुका है तो उसके बारे में बताया कि हमारे PM ने वो लॉन्च किया है पूरी इंडिया पैन इंडिया रोल आउट हुआ है वैक्सीनेशन का। सो दिस विल बी द वर्ल्ड सो ये जो होगा जो वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा जो कि पूरा एंटर लेंथ एंड ब्रेथ में पूरे इंडिया में होगा मतलब लेंथ एंड ब्रेथ ये इसमें बताया। सो द टोटल ऑफ इसमें पूरे सेशन कितने हैं टोटल 3,006 ऐसे सेशन होंगे पूरे ऑल ओवर द स्टेट और यूटीज में जो कि वर्चुअली कनेक्टेड होंगे। इसके अलावा अराउंड 100 बेनिफिशरी विल बी वैक्सीनेटेड एट ई सेशन साइट इनॉग्रेट जो इसका इनॉग्रल जो डे होगा तो इन सभी साइट्स पर ऐसे 100 बेनिफिशरी उनको होंगे वहाँ उनको वैक्सीनेटेड किया जाएगा एक साथ।
इसके अलावा द वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी ग्रुप्स टू बी एग्जाम। और जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उनको मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे किया गया, मतलब प्रायोरिटी बेसिस मतलब सबसे पहले किसको दिया गया, हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में है, इसके उनको सबसे पहले ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम में उनको वैक्सीन दी जाएगी। सो इसके अलावा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें कोविन ऐप है, जो कोविन पोर्टल है उसको इसमें यूज किया गया, जिसमें इसमें पता चलेगा वैक्सीन स्टॉक के बारे में, स्टोरेज, टेम्परेचर, या जो इंडिविजुअल की जो ट्रैकिंग है, जो बेनिफिशरीज होंगे उसमें इसका पूरा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो इसमें डिजिटली भी इसमें इसका यूज भी किया जाता है, तो इस पॉइंट को भी याद रखना। सो इस तरह की वैक्सीन है, एक कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक का भारत बायोटेक बना रहा है, देन दूसरी है कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको बना रहा है। तो इस चीज़ को भी याद रखना बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। और हाल फिलहाल में जैसा COVID-19 पूरा करेंट अफेयर में छा हुआ है, तो इसको भी याद रखना, ये एडिशनल न्यूज़ और हो जाती है। देन इसके अलावा अब इसके से रिलेटेड और न्यूज़ भी है, बिकॉज ऐसे ही हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो भी पड़ी हुई, लाइक वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम बिगिंस इन इंडिया। तो ये इससे रिलेटेड वीडियोज़ भी हमारे UPSC लाइब्रेरी चैनल पर पड़ी हुई, तो आप इसको देख सकते हैं। देन आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं 16 से लेके 31 जनवरी वाले 15 डेज करंट अफेयर वाले वीडियोस में। सो अब तक के लिए धन्यवाद। सो आप UPSC लाइब्रेरी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द UPSC लाइन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स। धन्यवाद।